दोस्तों, श्रीनगर की डल झील हमेशा से पर्यटकों को लुभाती रही है। अब इसमें एक अनोखा आकर्षण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का तैरता हुआ एटीएम भी जुड़ गया है। एसबीआई का यह फ्लोटिंग एटीएम यहां लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है। ये फ्लोटिंग एटीएम श्रीनगर की डल झील घूमने आने वाले पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों की भी कैश की जरूरत को पूरा करेगा। ये एटीएम एक हाउस बोट में खोला गया है। श्रीनगर की डल झील तैरते हुए हाउस बोट और शिकारा की सवारी से सबका मन मोहती ही है। वहीं तैरता हुआ एटीएम एक नया आकर्षण का केंद्र है। श्रीनगर की डल झील में इससे पहले देश का इकलौता तैरता हुआ डाकघर भी है। डल भारत के जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में स्थित एक झील है। ये एक शहरी झील है जो जम्मू और कश्मीर में दूसरी सबसे बड़ी झील है। लेक वूलर कश्मीर की सबसे बड़ी झील है। डल लेक कश्मीर में पर्यटन और मनोरंजन का अभिन्न अंग है और इसे फूलों की झील और श्रीनगर का गहना नाम भी दिया गया है। डल लेक की तटरेखा करीब 15.5 किलोमीटर की है। डल लेक मुगल गार्डन्स, हाउस बोट्स और होटल से घिरी हुई है। झील के सुंदर दृश्यों को मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल के दौरान निर्मित शालीमार बाग और निषाद बाग जैसे गार्डन्स और झील के किनारे रंगीन शिकारों और एक जगह पर खड़े हुए हाउस बोटों से देखा जा सकता है। सर्दियों के मौसम में तापमान कभी कभी -11 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जिससे झील जम जाती है। डल लेक करीब 18 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है और एक नेचुरल वेटलैंड का हिस्सा है। इसमें 21.1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया शामिल है, जिसमें इसके फ्लोटिंग गार्डन्स भी शामिल है। फ्लोटिंग गार्डन्स को कश्मीरी लैंग्वेज में रेड के नाम से जाना जाता है। वेटलैंड को चार घाटियों में विभाजित किया गया है, गगरीबल, लोकुल दल, बोट दल और नगीन। हालांकि नगीन को एक स्वतंत्र झील भी माना जाता है। लोकुट दल और बोट दल के बीच में एक द्वीप है जिसे रूपलंक और सोनालंक के नाम से जाना जाता है। डल लेक का उल्लेख प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में महासरित के रूप में किया गया है। आपको पता ही होगा, सरिता का मतलब नदी होता है। प्राचीन इतिहास के अभिलेखों में उल्लेख है कि डल लेक के पूर्व में ईसाबार नाम के एक गांव में एक स्थान पर देवी दुर्गा का मंदिर था। इस स्थान को झील के किनारे सुरेश्वरी के नाम से जाना जाता था, जिसे सतधारा नाम के एक झरने से निकाला गया था। हालांकि कश्मीर के डोगरा महाराजा ने घाटी में घरों के निर्माण को प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन अंग्रेजों ने डल लेक पर हाउस बोट्स बनाने की परमिशन दे दी और हाउस बोट के लिए कहा, इंग्लैंड का एक छोटा सा टुकड़ा डल लेक पर तैरता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद कश्मीरी हांजी लोगों ने इन हाउस बोटों का निर्माण, स्वामित्व और रख रखाव किया, तैरते हुए बगीचों की खेती की और बाजार के लिए उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन किया। डल लेक के हाउस बोट्स टूरिस्ट में बहुत पॉपुलर है। मुगल, अफगान, सिख और डोगरा शासन सभी के समय डल लेक को कश्मीर का ज्वेल माना गया। दोस्तों, ये थी इंफॉर्मेशन डल लेक कश्मीर के बारे में। अगर इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।